दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटिश फौज जब अंडमान पहुंची तो नजारा हैरत अंगेज करने वाला था उसके लिए। पोर्ट ब्लेयर की जनता ब्रिटिश फौज के स्वागत में खड़ी थी। बात अजीब इसलिए भी है क्योंकि हमें मालूम है कि जापान ने अंडमान निकोबार को आज़ाद करवाया था और इसमें उन्होंने नेताजी बोस और आज़ाद हिंद फौज की मदद भी की थी, जबकि ब्रिटिशर्स ने तो भारत को गुलाम बनाया था। फिर इस स्वागत का कारण क्या था, सुनिए ध्यान से। दिसंबर की उस सुबह जब नेताजी ने भारत की जमीन पर सालों बाद कदम रखा तो वो एक वादा पूरा करने आए थे, वादा आजाद भारत का। पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना मैदान में आजाद हिंद का झंडा फहराया गया और आजाद हिंद की पहली सरकार का गठन भी हुआ। नेताजी ने अंडमान और निकोबार का नया नामकरण किया, अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज नाम दिया गया। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में अर्जी हुकूमत आजाद हिंद नाम की सरकार बनी जिसका प्रशासन भारतीयों के हाथ में था। तब इसे जर्मनी क्रोएशिया सहित कुछ देशों ने मान्यता भी दे दी थी। नेताजी ने आजाद हिंद फौज के जनरल एडी लोगनाथन को गवर्नर नियुक्त किया और कुछ दिनों बाद आयरलैंड से चले गए। अब पीछे रह गई एक कहानी, कहानी काले पानी के इतिहास के उस काले अध्याय की जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। 1942 से 1945 तक अंडमान पर जापानी फौज का कब्जा रहा। कहने को सरकार आजाद हिंद की थी लेकिन सारी ताकत जापानी सेना के हाथ में थी। कड़वा सच ये है कि जापानी सेना ने अंडमान में रह रहे लोगों पर जो अत्याचार किए वो ब्रिटिश अत्याचारों के मुकाबले कहीं ज्यादा वहशी और क्रूर थे। आज जानेंगे कि अंडमान निकोबार में 1942 से 1945 के इस वक्फे में क्या क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। Brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. शुरुआत से पहले एक काम की जानकारी आपको दे दें, इतिहास में अगर आप रुचि रखते हैं तो एक किताब का नाम सुन लीजिए, वॉस नेताजी अलाइव नाम की। इस किताब में आपको विमान हादसे और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी मिल जाएगी। इस ऑडियो बुक को आप कुकू FM ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। साथ ही एक ऑफर भी है, कुकू FM का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं, पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% की छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक कोड डालना है LT50। चलिए अब आज की कहानी पर चलते हैं। बात शुरू होती है 23 मार्च 1942 से। जापान ने पोर्ट ब्लेयर पर हमला किया और कुछ ही घंटों में इसे अपने कब्जे में भी ले लिया। ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में चल रहा था। कुछ महीने पहले ही जापानी सेना ने रंगून पर हमला कर बर्मा को अपने अधिकार में ले लिया था और ईस्टवर्ड्स उनका पुश चला आ रहा था। वेस्टवर्ड्स, माफ कीजिए, ईस्ट से तो खुद ही चले आ रहे थे। इसके चलते ब्रिटिश सेना ने पोर्ट ब्लेयर से भी अपनी सेना पीछे हटा ली। यहां सिर्फ एक गैरिसन बची थी जिसमें 306 सैनिक और 23 ब्रिटिश अफसर थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स को युद्धबंदी बनाकर सिंगापुर भेज दिया गया। वहीं भारतीय सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए, उन्हें विकल्प दिया गया था, ज्यादातर हुए। उसी शाम जापानी सेना के कुछ फौजियों ने शहर में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद ये लोग पोर्ट ब्लेयर के अबरदीन इलाके में पहुंचे और वहां औरतों को छेड़ने भी लगे। जुल्फिकार नाम का एक लड़का था, उसने ये हरकतें देखी तो घर से अपनी बीबी गन ले आया। उसने हवा में कुछ फायर किए ताकि जापानी अपनी हरकतें बंद करें। जापानी तब भागे लेकिन कुछ ही देर में पूरी जापानी फौज ने शहर पर घेरा डाला। उनकी मांग थी कि उस लड़के को उनके सामने लाया जाए। जुल्फिकार भाग गया। इसके बाद जापानी सेना ने लोगों को टॉर्चर करना शुरू किया, धमकी दी कि लड़के को पेश नहीं किया तो पूरा शहर जला देंगे। अगली सुबह लड़के को पेश किया गया, उसे बेरहमी से मारा गया, उसके हाथ पांव तोड़कर उसकी हत्या की गई। पोर्ट ब्लेयर जाएंगे तो एबरडीन बाजार के पीछे आज भी जुल्फिकार की मजार आपको मिल जाएगी। जुल्फिकार की मौत से पूरा शहर सहम गया। इस दरिंदगी से बचने के लिए पीस कमेटी का गठन हुआ जिसे लीड कर रहे थे डॉक्टर दीवान सिंह। दीवान सिंह हिमाचल के सोलन के रहने वाले थे। आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के चलते अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया था जहां से वो अंडमान आए। यहां उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग IIL जिसका गठन राज बिहारी बोस ने किया था उसके अंडमान चैप्टर के अध्यक्ष हुए। उन्होंने लोगों के हक के लिए आवाज भी उठाई लेकिन कोई असर हुआ नहीं। एजी बर्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था उन दिनों जो जेल में बंद किया गया था। इस पर जासूसी का इल्जाम लगा तो जापानी सेना के कर्नल बुको ने सरेआम अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला था। नजीर पेश करने के लिए बर्ड का सर एक पेड़ से लटका दिया गया था। डॉक्टर दीवान सिंह ने उसका सिर उतरवाकर ईसाई तरीके से उसका अंतिम संस्कार करवाया था। ये बात जापानियों को नागवार गुजरी। 300 स्थानीय लोगों को जेल में डाल दिया गया, इन पर भी जासूसी का इल्जाम लगाया गया। नारायण राव जिन्हें शहर का नया SP बनाया गया था, DSP इत्तर सिंह समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो अब तक देश की आज़ादी के लिए काम कर रही थी, सहम कर उन्होंने भी अपने सम्मेलन बंद कर दिए।
1943 में जापानी सेना ने एक नए कमांडर को अंडमान भेजा, कर्नल जोकी रेनू साकाई। रेनू साकाई इससे पहले नानकिंग में तैनात था, जहां उसने कोरियाई लोगों पर भयंकर अत्याचार किया था। नानकिंग नरसंहार की कहानी दुनियादारी के एक एपिसोड में हमने आपको बताई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल कर्नल जोकी रेनू साकाई के आने के बाद जापानी सेना के अत्याचारों में और बढ़ोतरी हो गई। नानकिन से आए थे, नानकिन इंसिडेंट बोल दिया जाता है जापान में, वैसे ये एक नरसंहार था। जापान के अंदर उस हिस्ट्री को अब रीराइट किया जा रहा है। एनीवेज, लौटते अंडमान शहर में एक लैंडिंग पोर्ट बनना था, इसके लिए स्थानीय लोगों से बंधुआ मजदूरी कराई जाती, जो इनकार करता उसे जेल में डाल दिया जाता। इस तरह रेनू साकाई के आने के 3 महीनों के अंदर 600 लोगों को जेल में डाला गया, जिनमें से एक डॉक्टर दीवान सिंह भी थे। डॉक्टर दीवान के बेटे मोहिंदर सिंह ने अपने पिता की याद में द ट्रिब्यून में एक लेख लिखा। इसमें मोहिंदर सिंह लिखते हैं कि झूठा कन्फेशन निकलवाने के लिए लोगों को टॉर्चर किया जाता था, इसके बाद उनसे खुद अपनी कब्र खुदवाकर उन्हें कमर तक जमीन में गाड़ दिया जाता। जापानी सैनिक अपनी बंदूक से उनकी आंखें, गर्दन, पीठ पर वार करते और आखिर में उन्हें गोलियों से छलनी कर देते। जब 7 लोगों की इस प्रकार हत्या हुई तो दीवान सिंह स्थानीय गवर्नर और जापानी सेना के वाइस एडमिरल से मिले, लेकिन शिकायत सुनने के बजाय जापानियों ने पीस कमेटी को ही भंग कर दिया और दीवान सिंह को भी जेल में डाला। 1 हफ्ते के भीतर उनके 200 साथी जो INA, IIL और पीस कमेटी से जुड़े थे, उन्हें भी जेल में ठूंस दिया गया। टॉर्चर से कई लोगों की मौत जेल में ही हुई। खुद दीवान सिंह 82 दिनों तक टॉर्चर झेलते रहे और टॉर्चर का तरीका भी बड़ा विभत्स था। जेल में उन्हें बिजली के झटके दिए गए, उल्टा लटका कर पीटा गया, लोगों को उल्टा लटका कर नीचे से आग जला दी जाती, नाखून उखाड़े जाते और आग पर बैठने को कहा जाता, उनकी आंखें भी फोड़ दी जाती थीं। और ये सब टॉर्चर झेलते झेलते 14 जनवरी 1944 को डॉक्टर दीवान सिंह की जेल में ही मृत्यु हो गई। दीवान सिंह और उनके साथी जब जेल में बंद थे, उसी दौरान नेताजी भी पोर्ट ब्लेयर आए। वो 2 दिन यहाँ रुके, लेकिन न उन्हें जेल में किसी से मिलने दिया गया, न स्थानीय लोगों से बात ही करने दी गई। नेताजी इस बात से अनजान थे या उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इन 3 सालों में जापानी सेना ने जो कुछ किया, जाते जाते उन्होंने वो सारे दस्तावेज जला दिए थे। इस दौर की आपबीती का जिक्र सिर्फ कुछ किताबों में मिलता है, इनमें से एक है द अंडमान इंटरलूड, जिसमें एक अंग्रेज अफसर ने ये सारा बयान लिखा है। इसके अलावा एक स्थानीय निवासी रामा कृष्णा ने अपनी किताब में इस दौर का लेखा जोखा भी दिया है। मोहिंदर सिंह ने सालों बाद जब अपने पिता की कहानी जानने की कोशिश की तो उन्होंने इन वारदातों का पता लगाया। मोहिंदर सिंह लिखते हैं कि स्थानीय लोग नेताजी से नाराज थे और उन्हें लगता था कि लीडर ने उनका साथ नहीं दिया। बहरहाल नेताजी के जाने के बाद भी जापानियों की बर्बरता कायम रही। जवान लड़कियों और औरतों को अफसर के पास जिस पड़ोसी के लिए भेजा जाता था। इसके अलावा कोरिया से जहाज में भरकर औरतें लाई जाती, जिन्हें कम्फर्ट वुमेन कहा जाता था। जापानी सरकार को इसकी पूरी जानकारी थी, मतलब ये स्टेट पॉलिसी थी कि सैनिक औरतों को अपनी हवस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दिसंबर 1943 के बाद आधिकारिक रूप से आजाद हिंद सरकार का गठन हो चुका था, लेकिन असल ताकत जापानियों के हाथ में रही। जैसे हमने आपको बताया, आजाद हिंद सरकार में अंडमान के गवर्नर रहे AD लोगनाथन ने इस बात की तस्दीक भी की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास सिर्फ शिक्षा का जिम्मा दिया गया था। पुलिस बल और सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट्स पर पूरी तरह जापानियों का कंट्रोल था और उन्होंने INA या IIL की कोई परवाह नहीं की कभी। नेताजी के जाने के सिर्फ 1 महीने बाद की बात है जब कुछ लोगों ने जापानी बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई। तब हम्फ्रीगंज में 44 लोगों को एक साथ खड़ा करके भून दिया गया था। इन पर भी जासूसी का ही आरोप लगाया और ये सभी लोग IIL के मेंबर थे। तब भी जासूसी का इल्जाम इसी तरह लगाया जाता था। इस बीच मार्च 1944 में जापानी फौज ने मणिपुर के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की। इस लड़ाई को बैटल ऑफ इम्फाल के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में जापानी सेना की हार हुई और आज के दिन यानी 19 अगस्त को पूर्वोत्तर से जापान की सेना को पूरी तरह खदेड़ दिया गया। अंडमान अब भारत में जापान का आखिरी स्टेशन था और द्वितीय विश्वयुद्ध भी अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ने लगा था। 1945 आते आते अंडमान में अनाज की कमी होने लगी, सेना के लिए अनाज कम पड़ने लगा, तो जापानियों ने एक रास्ता निकाला और उन्होंने करीब 500 से 1500 लोगों को एक नाव में बिठाया और उन्हें दक्षिणी अंडमान के लिए रवाना कर दिया। उनसे कहा गया कि वहां जाकर वो खेती करें और आराम से रहें। इसके बाद उन्हें हेवलॉक नाम के एक द्वीप तक ले जाया गया। जब ये लोग अंडमान से 70 किलोमीटर की दूरी पर थे, इन्हें समुद्र में कूदने को कहा गया। जो नहीं माने उन्हें तलवार और बंदूक से मारकर समंदर में फेंक दिया गया। कुल 250 लोग किसी तरह तैर कर किनारे तक पहुंचे
बाकी लोग डूब गए, मर गए। जो बचे वो भी भूख और प्यास से मारे गए। चार दिन बाद इनमें से एक आदमी वापस लौटने में सफल हुआ, मोहम्मद सौदागर। इसने वापस आकर पूरी कहानी बताई थी। इसके बाद भी जापानी सेना का अत्याचार लगातार जारी रहा। उन्होंने 900 लोगों को एक दूसरे द्वीप पर ले जाकर पेड़ से बांध दिया। इन लोगों पर गोलियां चलाई गई और बाद में उन पर पेट्रोल छिड़क कर उनमें आग लगा दी गई। नरसंहार की इन घटनाओं के अलावा गांवों, सड़कों पर भी हजारों लोग मारे गए। मोहिंदर सिंह लिखते हैं कि तब अंडमान की जनसंख्या 40,000 के करीब थी और जब तक जापानी शासन खत्म हुआ इनमें से सिर्फ 10,000 लोग बचे थे, यानी 30,000 लोगों को 3 साल में मार डाला गया, 75%। इस सब के चलते अंडमान की जनता में जापानियों के प्रति बहुत भयंकर गुस्सा था। इसीलिए जब 15 अगस्त 1945 को HMS सैंडबार नाम का एक ब्रिटिश जहाज नौसेना का पोर्ट ब्लेयर पहुंचता है तो लोग उसका स्वागत करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध इसी तरह समाप्त हुआ। 15 अगस्त 1945 को वाइस एडमिरल टीजो हारा और मेजर जनरल टमेनोरी साटो ने 1/7 राजपूत राइफल्स के कर्नल नाथू सिंह के सामने हथियार डाले। इसके 3 महीने बाद 116 इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जे सोलोमोन्स और ICS अफसर के पैटरसन अंडमान पहुंचे और 7 अक्टूबर 1945 को उन्होंने जिमखाना ग्राउंड में जापानी फौज का आत्मसमर्पण स्वीकार किया। जापानी फौज की क्रूरता और उनके नरसंहार की कहानियां दस्तावेजों में दर्ज हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर में चीन और कोरिया में जापानी शासन के दौरान हुई बर्बरता का ही जिक्र ज्यादा होता है। इस एपिसोड के जरिए हमारी कोशिश थी कि भारत में जापानी सेना के ऑक्यूपेशन की जो कहानियां हैं वो भी आपके सामने आए। इस विषय में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप एक फिल्म भी देख सकते हैं। 2014 में एक फिल्म आई थी, नाम था अनब्रोकन। इस फिल्म में एक जापानी जेल की कहानी दिखाई गई है जिसमें युद्ध बंदियों को रखा जाता था। आप उसमें देख सकते हैं कि जापानीज किस तरह ट्रीट करते थे। बहरहाल इसी के साथ तारिक का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। तारिक के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जेरी ने।